वेलकम टू इंडियन ब्रिज। लगातार 9 महीना वेट करने के बाद आया है ये दिन, जिसके लिए हर वुडबी मॉम बेचैन होते हैं। लास्ट 9 मंथ बहुत बार न्यू टाउन से भागीरथी न्यूटिया वुमेन एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल न्यू टाउन ब्रांच पे इसी रास्ते से अप एंड डाउन किया हो, बट इस दिन का फीलिंग अनएक्सप्लेनेबल। 10 मिनट का रास्ता कुछ लंबा हो गया था, थोड़ा डर, थोड़ा टेंशन और बहुत सारा खुशी। 7 साल पहले जब बेटी हुई थी उस दिन की तरह मिक्सचर फीलिंग हो रहा था मुझे। एक इमरजेंसी इशू आ गया था, इसीलिए मेरा थोड़ा अर्ली डिलीवरी हुआ। काफ़ी एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट डॉक्टर के अंडर पे थी। डॉक्टर का हर एक बात फॉलो करके आज मेरी गोदी में एक हेल्दी बेबी। मेरा चॉइस था डॉक्टर एंड डॉक्टर का चॉइस था ये हॉस्पिटल। सिर्फ 4 डेज ही तो रहना है, इसीलिए एक वेल मेंटेन्ड क्लीन केबिन चाहिए था मुझे। मेरा डॉक्टर छोटा बड़ा बहुत सारे हॉस्पिटल नर्सिंग होम पे भी सर्जरी करते हैं, लाइक अपोलो, आमरी, चार्नक एक्सेट्रा। मैं न्यूटिया पे चेकअप पे जाती थी ऑलवेज, और डॉक्टर ने ही बताया ये हॉस्पिटल 24/7 इमरजेंसी सपोर्ट भी देता है। स्टाफ एंड बाकी इक्विपमेंट्स ऑलवेज अवेलेबल, जहाँ पे बाकी हॉस्पिटल पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। Actually, he is much more comfortable to operate in this hospital. That's why I chose this one. Delivery के पहले दिन 4 to 5 PM पे admission and bond signature complete करके visitor card and attendant card लेके wait कर रही थी। मैं single cabin book किया हूँ, इसीलिए एक attendant will allow with me। और इसके लिए 1000 rupees per day extra charge भी देना पड़ेगा। और इसमें बेडिंग के सारे सामान एंड फूड भी इंक्लूड है। सिंगल केबिन पे ही सिर्फ अटेंडेंट अलाउ है, ट्विन शेयर और 4 शेयरिंग रूम पे ये फैसिलिटी नहीं है। बट आई लाइक टू मेंशन दैट अटेंडेंट ज़रूरी नहीं। यहाँ पे पेशेंट का हर एक काम वेल ट्रेंड नर्स ही करते हैं। ऑपरेशन के पहले बिकिनी हेयर क्लीन से शुरू करके ऑपरेशन के बाद पैड क्लीन के जैसे काम भी वेल ट्रेंड नर्स दीदी ही किए थे। सुबह डिलीवरी हुआ था और लेट नाइट पे अराउंड 2 AM होगा, मेरा स्टिच पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, विच इज़ अनबियरेबल। सिर्फ एक कॉलिंग बेल दबाने पे तुरंत एक नर्स आया। इस तरीके से जब जितनी बार कॉल किया तुरंत कोई ना कोई अटेंड करते थे। मेरे हस्बैंड टेंशन पे आके अटेंडेंट काट लिए थे हर टाइम मेरे साथ रहने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था। लेकिन आफ्टर डिलीवरी अनबियरेबल पेन से रिलीफ मिला एक ट्रेंड नर्स के मदद से। उतनी रात पे मेरी हालत देख के उसी ने इमीडिएट डॉक्टर को कॉल किया। बट मेरी किस्मत, डॉक्टर रिप्लाई दिया एटलीस्ट और 1 घंटा इस पेन को मैनेज करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट पेन किलर देना है। तब नर्स दीदी ने गर्म पानी पिलाया और साथ ही साथ पिलो के मदद से पेन घटाने का एक पोस्चर दिखाए। ये सब मुझे कुछ घरेलू नुस्खा जैसा लग रहा था, मतलब मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा था तब। लेकिन इसके हेल्प से ही और एक नहीं 2 घंटा बाद में मैं नेक्स्ट पेन किलर ली थी। बच्चे के जन्म के बाद मुझे 1 घंटा इमरजेंसी यूनिट पे रखा गया था ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल सिचुएशन के सपोर्ट देने के लिए, और बच्चे को नर्सरी पे भेजा गया था। मेरी बेबी हेल्दी था, इसीलिए सिर्फ 4 डेज का नर्सरी चार्ज, जो एडमिशन चार्ज होता है इनिशियली 5000, वो ही देना पड़ा था। लेकिन मैक्सिमम केसेस पे माइल्ड जॉन्डिस और कुछ केसेस पे सीवियर जॉन्डिस होता है, उसके लिए यूवी लाइट अरेंजमेंट भी है, चार्जेस भी अलग हैं। ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज के लिए मैनुअल ब्रेस्ट पम्प और पेएबल इलेक्ट्रिक पम्प भी अवेलेबल है। बॉडी का जो भी बच्चा के कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके सारे टेस्ट हो जाते हैं पेडियाट्रिक डॉक्टर से, और बेबी का उसके साथ हियरिंग टेस्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर और स्पेसिफिक कुछ डिजीज के लिए ब्लड टेस्ट उधर ही हो जाता है। बेबी का बेडिंग, स्लीपिंग, डायपर चेंज, फीडिंग, मेडिकेशन सारा काम पेडियाट्रिक स्पेशल नर्स से करते हैं।
फीडिंग के लिए नर्सरी पे जाना पड़ता है, लेकिन सिंगल केबिन पे जरूरत पे नर्स बेबी को मेरे पास लेके आती थी। नॉट ओनली नर्सरी, मेरा रूम, बाथरूम, काउच, एच एंड एवरीथिंग का क्लीनिंग एंड हाइजीन मेंटेन किया गया था। मेरा बेड कब कितनी एंगल पे रखने पर मुझे रिलीफ मिलेगा, उस चीज पे भी हर वक्त नजर था। बट सेल्फ ऑपरेटेड बेड आप अपने हिसाब से ही अप एंड डाउन कर सकते हैं। मैं भी अप एंड डाउन करती थी अपने हिसाब से। ऑपरेशन के बाद पिलो नहीं दिया जाता था, तो ऐसे ही रूल्स है, नहीं तो कुछ दिक्कत होते हैं। लेकिन मुझे बिना पिलो में सोने का आदत नहीं था, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए मैं खुद ही करती थी। हॉस्पिटल पे सेंट्रल एसी है, बट मुझे ठंड लग रहा था उतनी चिल्ड पे, इसलिए मेरा रूम का टेम्परेचर खुद ही ऑपरेट कर रही थी। कभी कभार हस्बैंड भी करके दे रहे थे। ऑपरेशन के पहले रात हस्बैंड तो टेंशन पे सो नहीं पाया, और मैं तो खुद न्यू मेंबर का आने का जो एक्साइटमेंट है उसके लिए, और घर पे मेरा 7 साल का बेटी के बारे में सोचते हुए सो ही नहीं पाई। ऐसे ही बहुत जल्दी लग रहा था कि सुबह हो गया, जल्दी उठ गई थी। ये क्लिप्स है जिस दिन मेरा डिलीवरी होने वाला है। करीबन ऑपरेशन के 2-3 घंटे पहले मैं ये क्लिप्स ली थी। प्रेशन का खाना प्रेशन जैसा, बिना मसाला और थोड़ा ऑयल से बना हुआ, लेकिन अटेंडेंट का खाना मसालेदार एंड टेस्टी था। ऑलमोस्ट सेम फूड दोनों का, कुछ कुछ टाइम पे अटेंडेंट फूड डिफरेंट दिया गया था। पहले दिन ही डाइटिशियन आके मेरा जो फूड हैबिट वो थोड़ा जानकारी लेके गए थे, और उस मुताबिक ही मेरा डाइट सेट कर दिए थे। खाने का थोड़ा बहुत क्लिप्स मैं रखी हूँ। जो जो खाना ऑयली और थोड़ा बहुत स्पाइसी लग रहा है वो था अटेंडेंट के लिए। पेशेंट के लिए खाना इतना ऑयली स्पाइसी दिया नहीं जाता है। बिफोर डिलीवरी हो या आफ्टर डिलीवरी, खाना थोड़ा सादा सादा ही रहता है। ये काफ़ी मसालेदार और टेस्टी लग रहा है, ये था अटेंडेंट का खाना। लेकिन खाने का क्वालिटी के बारे में अगर बोलूँ तो काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए ये लोग। ये जो सूप है ये मेरे लिए है, स्वाद ठीक ठाक ही है, लेकिन वही थोड़ा फीका फीका जैसा है, नहीं तो खाना ठीक ठाक ही है। ये ब्रेड टोस्ट, लेकिन बिना बटर का टोस्ट है ये, और ये चिकन सूप। मैं थोड़ा बहुत क्लिप्स दिखा रही हूँ, और ये जो देख रहे हैं ये तो मेरे लिए एक नया चीज़ है। कोकोनट वाटर के साथ मारे बिस्कुट दिया जाता है। करीबन दोपहर का 11 बजे होगा, छोटा मोटा भूख के लिए ये दिया जाता है। डेली दिया जाता था, तो जो जो चीज़ दिया जाता था, अच्छा लगे या बुरा लगे जो भी है, मैं खाना पीना छोड़ती नहीं थी, खाने की कोशिश करती थी। और कोकोनट वाटर तो डेफिनेटली ये हेल्दी चीज़ है, पीना ही चाहिए, तो वो भी मैं पी लेती थी, लेकिन साथ में मेरी बिस्किट नॉर्मली लेती नहीं थी, बाद में पानी से मिला के वो भी ले लेती थी। राइस भी मेरे लिए जो दिया जाता था वो गला हुआ नॉर्मल राइस नहीं दिया था, और मेरा फूड हैबिट के मुताबिक मैं नॉनवेज लेना पसंद करती थी, ऐसा ही बताई थी, तो इसीलिए एक नॉनवेज आइटम दाल और एक वेज आइटम भी रहता था। ये आलू टिक्की, ये थोड़ा टेस्टी है। डिलीवरी के बाद जब 1-2 दिन करके डिस्चार्ज के तरफ आप जाते रहेंगे, तब खाने का क्वालिटी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा स्पाइसेस वो लोग मिलाते रहते थे। ये एक दिन का डिनर का, डिनर में नॉर्मली चिकन स्टू जैसा कुछ दिया जाता है नॉनवेज आइटम पे, और नहीं तो दाल सब्जी, ये तो कंपलसरी आइटम है, वो तो रहता ही है। और लंच के लिए फिश दिया जाता है। ये एक मीठा है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया था। राइस खीर है, और साथ में थोड़ा सा वैनिला फ्लेवर्ड जो कस्टर्ड है वो मिला के दिए थे, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये उपमा
इतना खाना तो मैं ख़त्म कर नहीं पाती थी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जितना ही कहा जाए कि खाना पूरा कंप्लीट करो तभी ताकत आएगा, तभी ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा आएगा, लेकिन असल में होता नहीं है, बहुत सारा खून निकल जाता है इसलिए। और ये था फ्राइड इडली, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और साथ ही में चाय भेजा गया था, अटेंडेंट के लिए भी चाय था। अटेंडेंट का चाय मिल्क थी, लेकिन मेरा लिकर दिया जाता था, मिल्क अलाउड नहीं था। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी। बिकिनी हेयर रिमूव करने के लिए न्यू ब्लेड, सफिशियंट मॉलीसीट, ग्लव्स, सैनिटाइजर, नेल रिमूवर, बॉडी वाइप्स एक्सेट्रा, जो भी ज़रूरी होता है सफिशियंट अवेलेबल था। और मैं साथ में कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ लेके गई थी, घर से ही लेके गई थी। वो अपने हिसाब से आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, कुछ भी बैरियर नहीं है उस चीज़ पे, जिसका जो भी मर्जी कॉस्मेटिक्स या कुछ भी आप लेके जा सकते हैं। अब द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी, खर्च कितना हुआ। 4 डेज सिंगल केबिन का खर्च था अप्रोक्स 1 लाख। डॉक्टर चार्जेस वेरिएबल है, डिपेंड ऑन योर डॉक्टर, वो आप अपने डॉक्टर के साथ बात करके एडजस्ट कर सकते हैं। नर्सरी चार्जेस 16,000 to 20,000 इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ टेस्ट, जो जो टेस्ट के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। 5,000 सिर्फ एडमिशन चार्ज बच्चे का। अटेंडेंट चार्जेस 4,000, 4 दिन के लिए था इसीलिए 4,000, टोटल अराउंड 1,17,000 पड़े थे मुझे। इंश्योरेंस तो है तो वो भी अलाउड है, कैशलेस का फैसिलिटी है, नहीं तो रिफंड का ऑप्शन तो अवेलेबल है ही। डिस्चार्ज के पहले एक्सरसाइज का एक डेमो दिखा के एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देते हैं, ये फॉलो करने पे एनास्थेसिस का जो पेन होता है वो नहीं होगा। डिलीवरी के बाद एंड डिस्चार्ज के पहले न्यूबॉर्न का पिक्चर लगा के एक विशिंग कार्ड एंड अ टेम्पोररी बर्थ सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट क्राई का एक गिफ्ट बॉक्स देके हॉस्पिटल अथॉरिटी मुझे कंग्रेचुलेट किए थे। इसमें बेबी का ज़रूरी चीज़ लाइक डायपर, टिश्यू, बेबी लोशन, शैम्पू, क्लॉथ वॉश, डायपर रैश क्रीम, सोप एक्सेट्रा के साथ ब्रेस्ट पैड एंड हेयर लिप भी थे। यही था मेरा 4 दिन का जर्नी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।